हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको शिवालिक रसायन के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही में फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको शिवालिक रसायन के बारे में बताते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये मैन्युफैक्चरर है ऑफ ऑर्गन फॉस्फोरस बेस्ड ऑन इंसेक्टिसाइड्स एंड केमिकल। तो ये इंसेक्टिसाइड्स और केमिकल्स का काम करती है जो मैन्युफैक्चर करती है ऑर्गन फॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स सच एज डाइमथोएटेट टेक्निकल एंड मेलेथियन टेक्निकल। तो और ये जो कंपनी है ना, ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में, ये इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी कंपनी है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है डाइमथोएटेट टेक्निकल और मेलेथियन टेक्निकल के। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और साथ में काम क्या करती है, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो ग्रीन लीव्स होती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर कंपनी डेटा की बात करेंगे तो मार्केट कैप है 1691.47 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी यहाँ पे 60.07 है, लेकिन कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 50.58। तो ये आपको इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से काफ़ी क्लोज में आपको ये मिल रहा है। ठीक है, और साथ ही में ये अभी एक महंगे वैल्यूएशन पे भी ट्रेड हो रहा है। प्रीमियम वैल्यूएशन पे कब ट्रेड होता है, जब कंपनी एक अच्छा रेवेन्यू देती है, एक अच्छा प्रॉफिट देती है, तो उस टाइम लोग उस शेयर में इन्वेस्ट भी करते हैं, तो वो एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होता है। तो यहाँ पर भी ये शेयर एक अच्छे प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। बुक प्राइस की भी बात करें तो 5.21 टाइम्स पे आपको ये शेयर मिल रहा है, मतलब ये भी एक महंगे प्राइस पे ही मिल रहा है। और डिलीवरेबल परसेंटेज अगर आज का देखें तो 48.29%, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। अब यहाँ पर बात करेंगे फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो पिछले 4 साल का अगर आप रेवेन्यू देखें तो 157 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो 2021 में 198 करोड़ का हो गया है और आने वाले सालों में इसका रेवेन्यू और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, लाइक इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतने सालों से कंपनी का रेवेन्यू, लाइक कभी भी ऐसा नहीं हो कि कंपनी ने कम सेल्स किया है, कम रेवेन्यू किया है, नहीं, हर टाइम कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू कर रही है। और धीरे धीरे ही ये जो कंपनी है, कंपनी का जो आप बोल सकते हैं रेवेन्यू है, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। साथ में प्रॉफिट्स भी देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी डिक्रीमेंट देखी गई थी, 15 करोड़ का जो प्रॉफिट था, 15 करोड़ 25 लाख, वो 13 करोड़ 61 लाख हुआ था। कंपनी के लोन्स बढ़ गए थे उस वजह से और एक्सपेंसेस भी बढ़ गए थे, लेकिन 2020 में फिर से 14 करोड़ हो गया एंड 2021 में फिर से रिकवर करके 17 करोड़ 59 लाख का प्रॉफिट कंपनी ने दिया है। तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंसेस भी अच्छे खासे जा रहे हैं और कंपनी अच्छा खासा कर रही है। और कैश भी अगर आप देखेंगे 2020 के कंपैरिजन में जो था, अभी डबल कैश है कंपनी के पास, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 52.92% का स्टेक है और पब्लिक के पास है 47.08% का स्टेक। तो यहाँ पर कोई फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ दो ही इन्वेस्टर्स है, रिटेलर्स एंड द प्रमोटर्स। अब यहाँ पर बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। तो अगर 3 क्वार्टर्स की बात करें तो हर क्वार्टर में कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, मार्च 2021 में 43 करोड़ का सेल्स था, जून में यहाँ पर 50 करोड़ का सेल्स था, सितंबर में 56 करोड़ का सेल्स था। तो यहाँ पर अगर कंपनी अगर पूरे हर क्वार्टर में सिर्फ 50 करोड़ का सेल्स करें तो भी 200 करोड़ का सेल्स यहाँ पर कंपनी का अपने आप हो जाता है, जो 2021 के रिकॉर्ड को ब्रेक करके, क्योंकि उस टाइम कंपनी का कुछ 198 या इतना कुछ रेवेन्यू हुआ है, 197 समथिंग, लेकिन इस बार 200 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हो रहा है। तो हो सकता है
और नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो मार्च में यहाँ पर 8 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट था, जून में यहाँ पर 9 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में अगेन यहाँ पर 8 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है। अब यहाँ पर रिटर्न रेशियोज की बात करेंगे तो 2019 में यहाँ पर 8.23% का आरओई जो था वो 2020 में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, 7.94% हो गया, क्योंकि प्रॉफिट में थोड़ी सी डिक्रीमेंट थी या फिर जितना प्रॉफिट होना चाहिए था उतना प्रॉफिट कंपनी ने किया नहीं। 2021 में फिर से रिकवर होके 9.82% हो गया है। मतलब कंपनी के जो रिटर्न्स है, जो इक्विटी पर रिटर्न आ रहा है, लाइक जो शेयर होल्डर्स है जिन्होंने पैसा लगाया कंपनी पे, उन पैसों पे कंपनी कैसा काम कर रही है, तो यहाँ पर जो रिटर्न्स है उस पर तो वो फिर से आ रहा है। आरओसी की बात करें तो 12.44% से जो डिक्रीज होता है 11.11, वो भी फिर से इंक्रीज होकर 11.20। लाइक जो कैपिटल है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी का जो कैपिटल है उसको कितना एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये भी अच्छा खासा 11.20%। अगर ये और 15% तक आता है तो ये एक अच्छा रेशियो माना जाएगा। मतलब लाइक 15-20% का अगर रिटर्न कंपनी देती है तो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो धीरे धीरे ये भी इंक्रीज हो जाएगा जब कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 4.72% से अभी वो है 4.84%। मतलब कंपनी के एसेट्स पे भी रिटर्न मिल रहा है। अब लेवरेज रेशियो की बात करें तो 0.11 जो डेट था इन 2019 में, 0.06 कंपनी ने अपना डेट डिक्रीज किया 2020 में, लेकिन 2021 में फिर से कंपनी का डेट यहाँ पर इंक्रीज होके 0.16 हो गया है। मतलब ऑन करंटली अगर बात करें तो कंपनी के पास कुछ 38 करोड़ का डेट है, लेकिन इतना कोई मेजर बात नहीं है, वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा, लाइक धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो वो हर साल इंक्रीज हो रहा है। मतलब इंटरेस्ट पे करने की जो कैपेबिलिटी वो कंपनी की यहाँ पर बढ़ रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो लेवरेज रेशियो भी कंपनी का इतना कोई ख़राब नहीं है, अच्छा खासा है। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई की बात करें तो 174.30 रुपीज़ था। कंपनी ने 403.69% रिटर्न्स दे दिए हैं और इसका जो हाई की बात करें तो 1138 है। आज ये 1167 पे है और वैसे भी इसने 2 वीक पहले ही अपना जो 5 ईयर हाई है उसको ब्रेक किया है और उसके बाद भी ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर गया, उसी जगह घूम रहा था, लेकिन 6.32% का रिटर्न आज इसने दिया है, 69.35% का रिटर्न। और अगर 1 मंथ के चार्ट की बात करें तो इसने 22-24% का रिटर्न दिया है। मतलब 200-300 रुपये का इसने मूवमेंट दिया है, तो अगर लोगों ने तब उठाए होंगे तो अच्छा खासा लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग में अर्न किया होगा। और इफ अगर आपके पास ये लॉन्ग टर्म के लिए पड़ा हुआ है ये शेयर, तो इस शेयर को आप रहने दीजिए, क्योंकि ये और भी ऊपर जाएगा और आपको और भी अच्छे खासे रिटर्न्स आपको ये शेयर मिलेगा। अगर आप मैक्सिमम देखते इस शेयर को तो ये शेयर एक दिन एक टाइम पे ये 17 रुपीज़ पे भी मिल रहा था और आज ये आपको 1167 रुपीज़ में मिल रहा है। आने वाले समय में इसका जो शेयर प्राइस है, अगर ये इसी तरह इसकी ग्रोथ दिखी, मैं ऐसा नहीं बोलती कि हर साल ये ऐसा ही रहेगा, अच्छी ग्रोथ देगा, अगर इसी तरह इसकी ग्रोथ दिखी आने वाले टाइम पे भी, तब भी ये शेयर मतलब अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। लाइक अगर आने वाले 1-2 साल में तो ये शेयर अच्छा खासा ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी लेना है तो भी आप इस शेयर को ले सकते हो थोड़ा बहुत। लाइक आज तो ये भागा है, अगर कल भी आपको भागते हुए नज़र आता है, लाइक कल भी आपको ऊपर नज़र आता है, तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो। और अगर आपको वेट करना है कि डिप आएगा देन, तो भी आप वेट कर सकते हो, तो इस शेयर को आप अपने रडार पर रख सकते हो, अच्छा खासा स्टॉक है ये। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।